देखिए यहाँ पे ये तपस्या करता हूँ साधना के लिए, तब दिव्य स्थान मंदिर है ये, पूरा साधना स्थल है पूरा, ये माना जाता है काशी का द्वार। तो मैं आपको द्वार भी दिखाया, काशी का द्वार है, और मैं आपको थोड़ा सा दो तीन उपाय बताऊंगा, इसको करिए, फॉलो करिए, आपका कार्य हर पूरा होगा। चलता हूँ आपको बताने। मेरा नाम बटू महाराज सरकार, आपको तीन उपाय बताऊँ, करिएगा उसको फॉलो करिए, अच्छा लगेगा आपको। जिस घर में आप पूजा करते हो, घर में मंदिर में, वहाँ वातावरण साफ करके रहिए, पानी छिड़क के पूजा करिए, एक लोटा जल लीजिए, नीम के पेड़ में जो पानी दीजिए, नीम के पेड़ में जल देने से हर चीज़ खुलता है, आपके हर शरीर की परेशानियाँ हटते धीरे धीरे कम होने लगी, खुद आप समझ जाएंगे। और पीपल के पेड़ में देंगे, रोज़ पीपल पेड़ में जल देकर देखिए आप, चुटकी बजाए चमत्कार मिलेगा वहाँ पे। शनिवार के दिन काला तिल्ली डाल के डालिए, और ऐसे दिन सादा पानी डाल के चढ़ाइए, लोटा साफ रहे, रोज़ चढ़ाइए, उसका तमाशा देखिए, शाम के समय करना है ये करके देखिए आपको काम धासु लेगा। और किसी को नया चीज़ खरीदना है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि मैं नहीं खरीद रहा हूँ नहीं खरीद रहा हूँ, तो उसके लिए थोड़ा सा दूध लीजिए, थोड़ा सा जल लीजिए, पहले दूध शिव जी को चढ़ाइए, फिर जल शिव जी को चढ़ा कर दो मिनट ध्यान लगा लीजिए, ये करके देखिए काम होगा आपका। और तीसरा उपाय, जहाँ भी सोए आपको ढेर सपना आता हो, सपना में बहुत दिक्कत है, मौत आ रहा हो, ये हो रहा हो, ये हो रहा है, हर चीज़ हो रहा, सफ़ेद नमक लीजिए, कागज़ में रख के बिस्तर के नीचे रख दीजिए, 7 दिन तक रहने दीजिए, 7 दिन तक उसको उठाकर तिराहे पे फेंक दीजिए। फिर एक और, ज़्यादा नज़र लग रहा है बच्चों को, तुम कमजोरी रहा, खाना नहीं खा रहा, दूध नहीं पी रहा है, तो काला नमक ले लीजिए पीसा हो का, सफ़ेद कागज़ में 7 बार उल्टा घुमा कर बच्चे के कहीं तिराहे फेंक दीजिए, जादू ठीक हो जाएगा, ये करके देखिए। और कोई उपाय पूछना हो तो मुझे संपर्क करिए, मेरे YouTube चैनल पे कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगा। कोई पूजा भी कराना हो तो मुझे संपर्क कर सकते हैं, मेरा नाम बटू महाराज सरकार, मेरा वीडियो शेयर कमेंट लाइक करिए, सभी चैनल वासियों को पढ़ना हो।